या जैसे भी आपकी ख्वाहिश है आप अपने हिसाब से बताइए। हमको पढ़ा लिखा चाहिए, ना कुछ, ना अमीर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमको गरीबी चाहिए, झोपड़ी वाला चाहिए, लेकिन प्यार से रखने वाला चाहिए, प्यार अच्छा अच्छा चल करने वाला, चलिए मेरे ठीक है। बच्चे को खिला खिला सके। और ये जो जीवन साथी का आपको तलाश है, ये हम आपको बिहार का ही दें या फिर दूसरे राज्य का भी, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, भी चलेगा, या सिर्फ बिहार का ही कोई व्यक्ति आपके लिए हम खोजिए? बिहार का तो नहीं, यूपी और एमपी कर सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया अच्छे होंगे। दोस्तों अभी जैसा देख सकते हैं बाइक मेरी यहाँ पे ऑलरेडी पार्क किया हूँ और मैं भी कहीं पे आया हूँ। हमारी एक सिस्टर हैं और उनके जो भाई है उन्होंने हमें कांटेक्ट किया है कि अपने बहन का जो है शादी विवाह या रिश्ते के सिलसिले में। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ एक बहुत ही अलग जगह पे। जैसा आप नमस्ते, जैसा देख सकते हैं कि मैम यहाँ पे हैं और इनसे थोड़ा जान लेते, समझ लेते हैं कि किस प्रकार का मैम रिश्ता करवाना चाहती हैं और कैसे इनको जीवन साथी चाहिए। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे दोस्तों हम आप सभी लोगों के लिए पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए जो है रिश्ता प्रोवाइड करते हैं। और जहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो मेल हैं, या जो आप कह सकते हैं लड़कियां हैं, उनके लिए जो रिश्ता है बिल्कुल फ्री रहता है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो एक सिस्टर ने हमें फोन किए हैं, तो आइए समझ लेते हैं एक बार कि कैसे कहाँ आए हुए हैं। सारी चीजें मैं आपको भी बताता हूँ। कैमरा मैन थोड़ा भैया पास में आना। तो मैम बताइए कि अभी फिलहाल जहाँ हम आए ये बिहार में कौन सी जगह है? जी ये पटना के अंदर ही आता है ना? चलिए ठीक है। दोस्तों ये बिहार के पटना के ही अंदर में आता है और इनके जो पिताजी हैं, कितना साल हो गया आप लोग का तलाक हुए? अच्छा, दोस्तों काफी ज्यादा समय हो गया है, लगभग 2 से 3 साल के आसपास में हो गया। जैसे सिस्टर से जब बात हुआ तो इन्होंने कंफर्म और आसपास सब कुछ बताया ही था। तो अभी आपके लिए जीवन साथी की कैसी खोज है? कोई आदमी पढ़ा लिखा होना चाहिए या डिग्री डिप्लोमा, या फिर अपना उनका धंधा बिजनेस हो, इस प्रकार का हम आपको रिश्ता बताएं, या जैसी भी आपकी ख्वाहिश है आप अपने हिसाब से बताइए। हमको पढ़ा लिखा चाहिए, ना कुछ, ना अमीर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमको गरीबी चाहिए, झोपड़ी वाला चाहिए, लेकिन प्यार से रखने वाला चाहिए, प्यार अच्छा अच्छा चल करने वाला, चलिए मेरे ठीक है। बच्चे को खिला खिला सके। और ये जो जीवन साथी का आपको तलाश है, ये हम आपको बिहार का ही दें या फिर दूसरे राज्य का भी, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, भी चलेगा, या सिर्फ बिहार का ही कोई व्यक्ति आपके लिए हम खोजिए? बिहार का तो नहीं, यूपी और एमपी कर सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, अगर उनके पास मान लीजिए कोई बच्चा वगैरह है एक दो तो भी चलेंगे, या फिर क्योंकि आपके भी पास ये बच्चे कितने साल के हैं अभी, 2 साल 3 साल? ठीक है दोस्तों, ये है मैम की पूरी डिमांड, ये है पूरी रिक्वायरमेंट। तो आप में से जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड हो मैम से शादी विवाह करने के लिए, दोस्तों आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मैम किसी प्रकार की आपकी कोई और डिमांड हो जैसे? नहीं, मेरा डिमांड नहीं, बस इतना मेरे को चाहिए कि बच्चे मेरे खिलाफ ले कर सके और मेरे को अच्छा से प्यार दे सके, और चलिए ठीक कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन फ्री है, आपने हमारे ऊपर भरोसा विश्वास जताया, हमें फोन करके आपने यहाँ पे बुलाया, तो ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, ये 100% आने वाले कुछ महीनों के अंदर में कंप्लीट हो जाएगी। वैसे ज्यादा समय तो नहीं लगेगा, फिर भी मान के चलिए आपको 10 से 15 दिन का समय देना पड़ेगा। 10 से 15 दिन के अंदर में जो भी रिश्ता आपके हिसाब से मुझे बैठेगा मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। एक बार फिलहाल शॉर्टकट में आपको दोस्तों बता देता हूँ, ये मैम है, मैं प्रेजेंट टाइम अभी बिहार आया हूँ और यहाँ पे दोस्तों जो कॉल आया था मैम के ब्रदर ने किया था कि भैया हमारे सिस्टर के लिए एक हमें दूसरा जीवन साथी की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी जो मैम के फर्स्ट हस्बैंड हैं इनका और उनका डिवोर्स हो चुका था। दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहूंगा, मैम की जो एज है वो अभी दोस्तों जो है प्रेजेंट टाइम में 28 ईयर्स है, 27 साल उम्र है। मैम का नाम है नेहा सिंह और जो सारी डिटेल्स थी वो सब कुछ भी मैंने आपको बता दिया हूँ। हाँ इनका जो घर है वो आप सब एक बार देख सकते हैं मोटा मोटा, आप एक बार मैं थोड़ा आपको टूर करा देता हूँ। आप में से जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड हो आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, या मैम का जो कांटेक्ट नंबर है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे मोबाइल नंबर जो लास्ट में 40 बार है उस पर आप फोन कर संपर्क कर लीजिए। ओके थैंक यू सो मच दोस्तों।